हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के सेशन में आपका स्वागत है। तो कौन कौन आ गए लाइव चैट में, हाय डाल दीजिए। सबसे पहले मुझे दिख रहे हैं मिष्टी और यश, सो हेलो बोथ ऑफ यू। और आपके सामने तीन क्वेश्चंस है, तो उसका आंसर दे दीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए तब तक मैं आपके लिए, और आज पहली चीज तो 3:40 तक ही क्लास होगी, बिकॉज देन आई हैव टू गो आउटसाइड, ठीक है। तो इसलिए 3:40 तक होगी, ठीक है। चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। 3 क्वेश्चंस है आपकी स्क्रीन पर, इनका आंसर लीजिए। ओके। और बाकी लोगों को क्या लगता है? वेट अ सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। ये एक और आपके लिए पीडीएफ ला दिया, ठीक है। चलिए जी दीजिए, सेकंड का क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट यश, व्हाई आरंट यू आंसरिंग? ठीक है, चलो थर्ड का क्या होगा? तो देखो, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये बुक किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, करेक्ट। हाँ, और जवाब दीजिए। एक सेकेंड, मैं जरा टेक्स्ट बुक भी निकाल लेता हूँ, लेकिन इसमें टेक्स्ट बुक निकाल के कोई फायदा नहीं, रहने दो, आप इससे ही आंसर दो। एक काम करो, मैंने और 3 क्वेश्चन सामने रख दिए, यू कैन आंसर टिल देन। मैं एक सेकेंड में टेक्स्ट बुक लेके आया। क्या होगा? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भाई, आर्कियोलॉजी ऑफ हिस्ट्री पहले चैप्टर में से है, एज यू ऑल नो, है कि नहीं? माइक, ये इसका क्या कहते हैं, पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4, ठीक है। यहां से काफी सारी चीजें हैं, आपको बुक्स के बारे में पता होना चाहिए, किसने कौन सी बुक लिखी, राइट। सभी को बुक्स के नाम याद है कि नहीं? तो याद रखो, एनेल स्कूल फ्रांस में शुरू हुआ था, ठीक है। गॉटिंगन यूनिवर्सिटी जर्मनी में थी, ये सब याद है? हाँ, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में मेन कैरेक्टर किसका था? तो वो था ऑफ अ लेडी नेम्ड साइमोन दे बियोवॉयर, सबको याद है? ओके, हेलो रामानुज, फोर्थ में फर्म को अंडरलाइन किया है, फोर्थ में फॉर्म को। अरे ये क्या है, अरे ये क्या है रे बाबा, क्या है ये, क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे एक बार का आपका रिवीजन तो हो गया, कोई बात नहीं। तो सारी चीजें याद करो भाई, किस किस ने कौन सी किताब लिखी है। रिनी देस्कार्तेस फ्रांस के थे, उनकी बुक थी डिस्कोर्स ऑन द मेथड एंड ही वेरीफाइड द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ये चीजें याद रखनी है। वॉल्टेयर जर्मनी से थे, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, और उन्होंने क्या बोला था, ही थॉट प्रिवेलेंट सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, मतलब जो भी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन है उनको इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी माना जाना चाहिए। फिर जॉर्ग विलहेम फ्राइडरिच हेगल ने क्या बोला था, जर्मनी से थे, उन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस एंड रीजन इन हिस्ट्री, और उन्होंने थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की थ्योरी दी थी, जिसको हम एक और कहते हैं, जो कि है डायलेक्टिक्स, इसे हम डायलेक्टिक्स के नाम से जानते हैं। लियोपोल्ड वॉन रैंकी जर्मनी से थे, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 2 किताबें लिखी थी उन्होंने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से गैदर्ड इंफॉर्मेशन पे बहुत ध्यान दिया, और उन्होंने 19th सेंचुरी की हिस्टोरिकल राइटिंग्स को इन्फ्लुएंस किया।
कार्ल मार्क्स जर्मनी से थे, दास कैपिटल उनकी किताब है, और उन्होंने बोला था द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन इन द सोसाइटी लीड्स टू क्लास स्ट्रगल, 90% क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं, ठीक है? ओके, अमंग विमेन ऑथर्स राइटिंग अबाउट विमेन इन द 19th सेंचुरी डैश वाज द फॉरमोस्ट वन. हाँ, तो क्या होगा थर्ड का, क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब. थर्ड का होगा 3.3, पंडिता रमाबाई, ठीक है? अगर आप यहाँ पे खोल के देखो सेकेंड चैप्टर, तो उसके अंदर तुम्हें दिया हुआ है पंडिता रमाबाई के बारे में, फेमिनिस्ट हिस्ट्री के अंदर, ठीक है? पंडिता रमाबाई और ताराबाई शिंदे, इन दोनों का जिक्र है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखो अबाउट 19th सेंचुरी, ठीक है, तो पेज नंबर 13 पर आपको दिया हुआ था, पेज नंबर 13 पर, अमंग विमेन ऑथर्स राइटिंग अबाउट विमेन इन द 19th सेंचुरी सी ताराबाई शिंदे वाज द फॉरमोस्ट वन, ठीक है? तो इसीलिए ताराबाई शिंदे होगा, नॉट पंडिता रमाबाई, ठीक है? नाउ फोर्थ वन, द अर्लिएस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल नेचर फाउंड इन इंडिया आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस. अंडरलाइन होना चाहिए इंस्क्रिप्शंस को, उन्होंने फॉर्म को कर दिया, रहने दो, लेकिन इंस्क्रिप्शंस मतलब कार्विंग्स के तौर पर थे, ये आपको याद रखना है. इन इंडिया एट डैश सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इज एन इंस्टीट्यूट हैज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नेम्ड सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री. अच्छा, सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी किधर है, किधर है, किधर है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. कौन से चैप्टर का ये सृष्टि इंस्टीट्यूट? मेरे ख्याल से हाँ थर्ड चैप्टर का है ना. यस, कहाँ पे देखा था मैंने ये क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, तो इसीलिए हमें देखना पड़ता है. हाँ, ये देखो पेज नंबर 15, येलो बॉक्स, देर आर मेनी यूनिवर्सिटीज अब्रॉड वेयर वेरियस कोर्सेज इन पब्लिक हिस्ट्री आर ऑफर्ड. सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी बैंगलोर में है, जो कि कर्नाटका में आता है, और सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री नाम का इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, बैंगलोर में है सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, याद रखो ये. ओके, द एक्सकेवेशंस एट द सिटी ऑफ उर वर कंडक्टेड बाय सर डैश. उर में जो एक्सकेवेशन हुए थे किसने कराए थे, बताइए. यह मैंने कहां देखा है, ठीक है भाई, बताओ. हाँ, ये थर्ड चैप्टर का था, वेरी गुड. ये जो उर में जो एक्सकेवेशन हुए थे, तो नाम ही कैसा है उर, ठीक है, कहां पे था ये, कौन से चैप्टर का ये, कौन से चैप्टर का है, तो वहां से जरा पढ़ने को मिलता है ना, एक्स्ट्रा की चीजें भी पढ़नी रहती है थोड़ी. और कौन से चैप्टर में है भाई, और किसी को दिख रहा है कौन से चैप्टर का है? मुझे तो यहाँ पे कहीं भी और का जिक्र नहीं दिख रहा है जल्दी से, कौन से चैप्टर का है, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे ना उसके आसपास का, जिससे कि अच्छे खासी रिवीजन हो जाए. थर्ड चैप्टर का ही है, किधर है भाई थर्ड चैप्टर में, उर किधर है, उर 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 वेयर इज उर. ओके 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 ओके, उर मुझे, हाँ यस, पेज नंबर 19, डू यू नो बॉक्स, हाँ बराबर. The earliest museum in the world, 6th century BC में था, कहाँ पे था, City of Ur in Mesopotamia. किसने कराए थे excavations? Sir Leonard Woolley, ठीक है, Sir Leonard Woolley. So that's why the correct answer is option A. Very good, बहुत बढ़िया. The art of painting and sculpting are dash. कौन सी कला है ये? तो ये है chapter 4 का. तो देखिए, पेंटिंग और स्कल्पचरिंग ये किस में आते हैं, दृक कला में आते हैं, करेक्ट, एम आई राइट? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, पेज नंबर 19, यस. अच्छा, तो ये कहाँ पे आते हैं, ये आते हैं दृक कला में. दृक कला मतलब विजुअल आर्ट्स, जो हम देख पाते हैं, राइट. और दूसरी होती है हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसको हम कहते हैं ललित कला, जैसे कि
डांस, सिंगिंग, ड्रामा, इनको कहते हैं ललित कला, और इसके अंदर इसको आंगिक कला भी कहा जाता है, सबको याद है ना? यस। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भीमबेटका इज इंक्लूडेड इन अ वर्ल्ड डैश हेरिटेज साइट। भीमबेटका इज अ वर्ल्ड कल्चरल और हिस्टोरिक और रिलीजियस और रीजनल हेरिटेज साइट। मुझे लगता है बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस सवाल पूछा है। अरे नाइन्थ का दे रहे हो, एट्थ का क्या होगा? द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी। बहुत बढ़िया जवाब है। उन्होंने चालू किया था हिकीज बंगाल गैजेट, जिसको और एक नाम से जाना जाता था। उसका और एक नाम क्या था? उसका और एक नाम था कैलकटा जनरल एडवर्टाइजर। कब शुरू किया था? 29th जनवरी 1780, मतलब आज से करीब करीब 240 साल पहले। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने हिकीज बंगाल गैजेट या कैलकटा जनरल एडवर्टाइजर ये शुरू किया था, एंड ही वॉज आयरिश, आयरलैंड के थे। एट्थ का क्या होगा? नाइन्थ का दे दिया, एट्थ का क्या होगा? भीमबेट का क्या है भाई? कल्चरल साइट है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं? इट इज अ वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट। सो फर्स्ट आंसर क्या है? फर्स्ट नहीं, एट्थ आंसर क्या है? यस, फर्स्ट ऑप्शन, इट इज अ कल्चरल हेरिटेज साइट। ओके, और दूसरी होती है नेचुरल हेरिटेज साइट। भीमबेटका में हमें केव्स देखने को मिलती है। भीमबेटका इज इन मध्य प्रदेश। ओके, क्लियर है भाई? 10th क्वेश्चन। इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर्स, सॉरी, आफ्टर द अराइवल ऑफ द डैश प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर्स वर इंट्रोड्यूस। अच्छा, किसके अराइवल के बाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर्स आए इंडिया में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप जाते हैं पेज नंबर 32 पे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 32, हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब ब्रिटिश आए तब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर्स की शुरुआत हुई इंडिया में। ओके, उसके बाद दशावतारी थिएटर इज अ पार्ट ऑफ द फोक और थिएटर इन डैश। दशावतारी किधर है? दशावतारी किधर है? तो अगर आप लेसन नंबर 6 में देखते हैं, दशावतार है एक्चुअली, दशावतारी नहीं है। हाँ, तो वो कहाँ पे है? पेज नंबर 40, दशावतार थिएटर। दशावतार इज द पार्ट ऑफ द फोक थिएटर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का फोक थिएटर। इट शोज आर प्रेजेंटेड इन द रीजन्स ऑफ कोंकण एंड गोवा आफ्टर हार्वेस्टिंग सीजन इज ओवर। जो फसल काटने का सीजन होता है वो जब खत्म होता है तब दशावतार थिएटर होता है। कहाँ पे होता है? कोंकण और गोवा में होता है। इट इज बेसिकली महाराष्ट्र का। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। डैश इज अ ड्रामेटिक नरेशन बाय अल्टरनेटिंगली रिसाइटिंग पोएट्री एंड प्रोजेइक एक्सट्रैक्ट्स। देखते हैं 12th का कौन देगा। ओके, हेलो भाग्यश्री, यस, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? डैश इज अ ड्रामेटिक नरेशन बाय अल्टरनेटिंगली रिसाइटिंग पोएट्री एंड प्रोजेइक एक्सट्रैक्ट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कौन देता है सही जवाब। तो अगर आपने अच्छा ठीक है, आंसर दे रहा है कोई? तो इसका करेक्ट आंसर है ए पोवाड़ा। ठीक है, पेज नंबर 42 पे आओ टेक्स्ट बुक की। बहुत बढ़िया, पेज नंबर 42। सो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, मतलब पोवाड़ा की जो ट्यून होती है वो कैसे होती है? अल्टरनेट, दो दो लाइनें इस तरीके से। सो दैट्स व्हाई इट इज टोल्ड। पोवाड़ा इज अ ड्रामेटिक नरेशन बाय अल्टरनेटिंगली रिसाइटिंग पोएट्री एंड प्रोजेइक एक्सट्रैक्ट्स। पोवाड़ा नरेट्स ग्रेट डीड्स ऑफ हीरोइक मेन एंड वुमेन इन अ वेरी फोर्सफुल एंड इंस्पायरिंग वे। सो दैट्स व्हाई पोवाड़ा इज द करेक्ट आंसर। ये सब रिवीजन हो रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 13, डैश वाज इंडीड अ वे ऑब्टेनिंग फूड फॉर द एंशिएंट पीपल बट इट वाज आल्सो लुक्ड अपॉन ऑन अ गेम एंड एंटरटेनमेंट। मुझे लगता है ये तो बहुत ज्यादा सिंपल सवाल पूछ लिया इन्होंने, बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल पूछ लिया है, है कि नहीं? वेरी गुड, 13th का ही होगा। हंटिंग,
तो हंटिंग पहले तो खाना के लिए रहता था, लेकिन उसके बाद हंटिंग एक गेम बन गया राजाओं का, एंटरटेनमेंट होने लगा हंटिंग से, और फिर उसको बैन भी कर दिया गया, यू नो व्हाई। चलो, द बुद्धिस्ट लिटरेचर टेल्स अस दैट डैश ट्रैवल टू सेवरल सिटीज इन एंशिएंट इंडिया फॉर प्रीचिंग। हु ट्रैवल्ड इन सेवरल सिटीज इन एंशिएंट इंडिया फॉर प्रीचिंग? बुद्धिस्ट लिटरेचर हमें क्या बताता है, कौन था वो? पेज नंबर 52। यस, वेरी गुड, सब लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। पेज नंबर 52। डू यू नो, वो जो दोनों बॉक्सेस है बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो बुद्धिस्ट लिटरेचर टेल्स अस दैट गौतम बुद्ध ट्रैवल टू सेवरल सिटीज इन एंशिएंट इंडिया फॉर प्रीचिंग, मतलब बुद्ध जो बौद्ध धर्म है उसका प्रसार करने के लिए गौतम बुद्ध पूरे इंडिया में घूमे थे। ओके, फिर उसके बाद नीचे दिया युआन श्वांग द चाइनीज मॉन्ग ट्रैवल टू इंडिया टू इन 630 CE। ठीक है, तो देखिए 630 CE मतलब 630 साल में युआन श्वांग जो कि एक चाइनीज मॉन्ग था वो इंडिया में आया था। फिर बेंजामिन ऑफ टुडेला, फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर और डिस्कवर, बॉर्न इन स्पेन, 1159 से 1173 के पीरियड में उन्होंने बहुत सारे देशों में घूमे, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस, सीरिया, अरेबिया, इजिप्ट, इराक, पर्शिया, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, 14 साल का ट्रैवलिंग किया उन्होंने, करेक्ट। फिर मार्को पोलो 13th century में आए, ओके, एशिया में इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, चाइना में 17 साल के लिए रहे और उन्होंने एशिया के ट्रेड सिस्टम्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर इब्न बतूता 14th century में आए थे, ठीक है, 30 सालों की ट्रैवलिंग की थी, ओके, और कभी भी एक ही रूट पे दो बार नहीं गए थे। फिर गेरार्डस मर्केटर 16th century, कार्टोग्राफर थे, मतलब वर्ल्ड का मैप बनाया था बिना सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के, वर्ल्ड का मैप बनाया था बाय जस्ट ट्रैवलिंग। इज इट क्लियर? ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है। इन द लोअर म्यूजियम इंक्लूडेड द पेंटिंग ऑफ डैश बाय लियोनार्डो दा विंसी द वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट। बहुत सिंपल है, लियोनार्डो दा विंसी ने कौन सी पेंटिंग बनाई थी? वेरी गुड, वेरी गुड, 15 का होगा बी, मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन विच द पिक्चर इज गिवन। फ्रॉम डैश ट्रेडिशन इज दिस पिक्चर, कौन से ट्रेडिशन से है ये पिक्चर? चलो भाई, ये आपको दिया हुआ है चैप्टर 4 में, ठीक है, चैप्टर 4 में आपको दी हुई है ये पिक्चर। कम टू पेज नंबर 23। तो आपको पता है ये क्या है? ये है वारली पेंटिंग, करेक्ट। यस, वारली पेंटिंग है, बहुत सिंपल। सो वारली ट्रेडिशन की पेंटिंग है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। एंड विच इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दीज पीपल? देखो पेज 23 पे आओ। द ट्रेडिशंस ऑफ वारली पेंटिंग एंड पिंगुल और चित्रकटी इन महाराष्ट्र आर अमंग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जिव्य सौम्य माशे द आर्टिस्ट इन थाने डिस्ट्रिक्ट हैज प्लेड अ ग्रेट रोल इन मेकिंग द वारली पेंटिंग पॉपुलर। और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे, पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, ओके। और ये लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है वो भी आपको यहीं पे आसपास कहीं पे तो दिया हुआ होगा। क्या है भाई बताओ? 16 का होगा बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन विच इज वारली, ओके। और दूसरा मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दीज पीपल, मेन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन कौन बताएगा? नहीं दिया है क्या यहाँ पे? शायद यहाँ पे नहीं दिया है, मुझे लगता है ऐसा। इज इट गिवन और नॉट? शायद नहीं दिया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन महाराष्ट्र फॉर वुमेन डैश सीट्स आर रिजर्व्ड इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। बहुत सिंपल, जल्दी से दीजिए, अब हम पॉलिटिकल साइंस पे आ गए हैं। महाराष्ट्र में कितने परसेंट सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, जल्दी बताएं। फर्स्ट ओ
ओके फिशरी किधर दिया है फिशरी वेयर इज इट गिवन इज इट गिवन समवेयर कहां पे दिया है कैन यू टेल फिशरी फिशरी यहां पे आसपास लिखा हुआ तो कहीं दिख नहीं रहा है मुझे ओके आप बताओ तब तक बाकी लोग आंसर कीजिए बहुत बढ़िया 17 का होगा 50% महाराष्ट्र और महाराष्ट्र जैसे और 16 राज्यों में 50% सीट्स रिजर्व्ड है बाकी राज्यों में 1/3 वोटिंग एज वाज लेटर रिड्यूस्ड टू डैश बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया 18th का होगा ए 18 अरे 21 कैसे रिड्यूस्ड अरे भाई 21 से 18 की थी ना तो रिड्यूस कितने की 18 इयर्स कर दी ना हाँ बी कैसे होगा बी तो पहले थी लेटर रिड्यूस टू 18 ओके डैश अपॉइंट द इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए आई थिंक यस थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय डैश बाय द प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट देखो क्या क्या पता होना चाहिए देखो इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल 324 में दिया हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1950s ओके एकदम सिंपल सवाल है एकदम यस फ्रॉम द डेकेड ऑफ डैश Started the use of EVM, electronic voting machine की शुरुआत कब से हुई कौन से decade से हुई From the decade of अरे हाँ agriculture नहीं दिख रहा अरे उस picture में fishes ज्यादा दिख रहे अरे बाबा क्या है ये अच्छा ऐसा logic लगाया क्या हो सकता है वैसे हो भी सकता है we can't say anything ठीक है देखो EVM का इस्तेमाल कौन से दशक से शुरुआत हुई Yes, the answer is 1990s के दशक से है कि नहीं पेज नंबर निकालो कौन सा पेज नंबर 79 हमारे फर्स्ट इलेक्शन हुए थे 1951-52 में EVM की शुरुआत 1990s से हुई थी और EVM के अंदर नोटा नाम का एक नया सिस्टम आया none of the above और जो दिव्यांग मतलब डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए ईवीएम की वजह से वोट करना पॉसिबल हो पाया है 21-22 बताइए बहुत बढ़िया कैसा रिवीजन हो रहा है बताओ अब बताओ कैसा रिवीजन हो रहा है कि नहीं बिल्कुल सही व्हेन पीपल फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग when people form organizations with the objective of achieving political power and participate in the electoral process, such organizations are called. ये कौन सी definition है? Yes, very good. 1951-52. Yes. कौन सी definition है ये? कौन सी definition है? Very good. It is the definition of political party. जब बहुत सारे लोग एक सेम अचीविंग पॉलिटिकल पावर और इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के ऑब्जेक्टिव से एक साथ आकर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं तो उसको हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं सम डैश एम टू अपोजिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट का अपोजिशन करना होता है तब क्या चलाया जाता है तब क्या चलाया जाता है जैसे अभी क्या चल रहा है फार्मर्स मूवमेंट चल रहा है कि नहीं इट इज द मूवमेंट ओके मूवमेंट सम मूवमेंट्स एम एट अपोजिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आंदोलन इन डेमोक्रेसी टू गेट पावर पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इन अ डेमोक्रेसी अगर पॉलिटिकल पार्टीज को पावर चाहिए तो वो क्या कंटेस्ट करते हैं क्या पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करती है ज्यूरिसडिक्शन कंटेस्ट करती है सोशल इंस्टीट्यूशन कंटेस्ट करती है या फिर नन ऑफ द अबव गलत 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 जवाब अरे मतलब तो अच्छा अच्छा तुम इसका 22 ये 23 है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है हाँ दिस इज 23 नॉट 22 ओके गुड ये 23 है तो प्रिंटिंग मिस्टेक हाँ 22 का तो बराबर दिया है ए होगा 23 का क्या होगा
हाँ, none of the above. Very good. In a democracy, to get power, political parties contest election. Election contest करते हैं ना, तभी तो power मिलेगी. Very good. So this is the correct answer. चलो, first, second, third, तीन question. Such a document is further scrutinized by a historian with the help of relevant dash references. अरे यार, क्या question पूछ रहे हैं यार? क्या question पूछ रहे हैं ये लोग भी? चलो, बताओ, first का क्या होगा? यस, हेलो अक्षय. यस, क्या होगा? सेकंड का क्या होगा? अच्छा खासा रिवीजन हो गया है अक्षय भाई, रिपीट जरूर देख लेना बाद में, ठीक है? ओके. हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ डैश ह्यूमन डीड्स. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, नन ऑफ द अबव. तो वेरी गुड. फर्स्ट का जवाब होगा हिस्टोरिकल रेफरेंसेस. सेकेंड क्या होगा? सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, वेरी गुड. सेकेंड का क्या होगा? हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ डैश ह्यूमन डीड्स. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या नन ऑफ द अबव. ओके, हाँ जरूर देखना. यस, करेक्ट, वेरी गुड. पास्ट ह्यूमन डीड्स, भाई हिस्ट्री में पास्ट ह्यूमन डीड्स ही तो आती है ना. बहुत बढ़िया. सोहागौड़ा कॉपर प्लेट इज फाउंड इन डैश. बहुत बढ़िया. टेक्स्ट बुक खोलो सब लोग, टेक्स्ट बुक खोलो. पेज नंबर 2, नहीं पेज नंबर 2 पे रही है, रुको. ये वो नहीं है, सोहागौड़ा कॉपर प्लेट है पेज नंबर 7 पे. करेक्ट, यस. पेज नंबर 7 पे आपको दिया हुआ है येलो बॉक्स पे. द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट सोहागौड़ा डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर ऑफ उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश में पाई गई थी. ओके, तो देखो यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ये आपको याद रखना है. यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ये आपको याद रखना है. ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में सोहागौड़ा, और उसी के साथ साथ ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया, और मौर्यन पीरियड की है, मौर्य वंश के पीरियड की है, जब चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका थे तब के पीरियड की है. ओके, इन 1841 माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन रोड डैश. बहुत बढ़िया, सेकेंड चैप्टर का रिविजन करेंगे. चलो बताओ. वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही. थर्ड का बी होगा. फोर्थ का क्या होगा? किस किस ने कौन सी किताबें लिखी है, याद है क्या? सबको याद है कि नहीं? हाँ, तो देखो याद करो. सेकेंड चैप्टर में से इंपॉर्टेंट बुक्स, जियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी तारीख ए फिरोज शाही, फिर उसके बाद बाबर ने लिखी थी तुजुके बाबरी, फिर उसके बाद अब्दुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा, जो अकबर की बायोग्राफी थी. उसके बाद और किसने क्या क्या लिखा था देखो, जैसे कि हाँ, कैम्ब्रिज ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल हिस्टोरियोग्राफी. ओके, फिर उसके बाद सर विलियम जोन्स और फ्राइडरिच मैक्स मलर, ये दोनों थे ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस. ओरिएंटलिस्ट मतलब कंपैरेटिव स्टडी ऑफ संस्कृत एंड सम यूरोपियन लैंग्वेजेस हैव बीन डन. ओके, उसी के साथ साथ देखिए, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता फाइंड की थी. ओके, फ्राइडरिच मैक्स मलर ने संस्कृत लैंग्वेज के बारे में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया, और ऋग्वेदा की 6 वॉल्यूम्स को उन्होंने कुछ अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट करके लिखा. फिर नेशनल हिस्टोरियोग्राफी में कौन कौन इंपॉर्टेंट थे? वीडी सावरकर वॉज इंपॉर्टेंट, एज यू ऑल नो, राइट? सबको याद आ रही है सारी चीजें? चलिए, सबको याद आ रहा है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड. सब लोग याद करो. चलो सेकेंड चैप्टर निकालो. और कौन सी इंपॉर्टेंट बुक थी? जैसे कि ग्रांट डफ ने लिखी थी अ हिस्ट्री ऑफ मराठास, सो दैट्स व्हाई थर्ड इज रॉन्ग. फिर उसके बाद और किस किस ने क्या क्या लिखा था, याद है? याद है क्या सबको? यस, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने कौन सी लिखी थी? बहुत बढ़िया, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी. एम आई राइट? बिल्कुल सही जवाब. ओके, नेक्स्ट सवाल. फोर्थ हो गया. यस, डैश इज द संस्कृत थिएटर दैट इज नाट्य परंपरा इन केरला. बहुत बढ़िया. फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ए कूटियट्टम. आपको पता है यह है थर्ड चैप्टर से पेज नंबर 18. सो यू कैन सी, जो हमें ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज में सबसे पहले ही दिया है, कूटियत्तम इज द संस्कृत थिएटर फ्रॉम केरला. ओके, ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश द मुगल एम्परर,
The Mughal miniature style showing a blend of Indian and Persian style was developed. कौन से मुगल एम्परर के रेन मतलब उनके शासनकाल के दौरान इंडियन और फारसी स्टाइल के जो क्या कहते हैं आर्ट है उनका मिक्सचर देखने को मिला. इट इज अगेन फ्रॉम लेसन नंबर 2. सबको याद है किधर है ये, किधर है बताओ भाई, क्या होगा सिक्स्थ क्वेश्चन का? याद आ रहा है? ओके यस. चलिए सोचिए क्या है सिक्स्थ क्वेश्चन का, क्या है? पेज नंबर 7-8 यहां पे कहीं ना कहीं आपको दिया हुआ है कि क्या हुआ है, अकबर के टाइम पर पर्शियन और इंडियन स्टाइल का ब्लेंड होता हुआ दिखा, मिक्सचर होता हुआ दिखा. ओके यस, यू हैव बीन गिवन समवेयर ओवर हियर, ये मुझे याद है. ओके पेज नंबर 7 और 8 में कहीं ना कहीं है, तो इनको पढ़ लो, यहां से कुछ ना कुछ जरूर पूछ सकते हैं. द रूलर ऑफ सुल्तान डैश द सेकेंड रोट अ टेक्स्ट इन पर्शियन लैंग्वेज एंटाइटल्ड किताब ए नवरस. किसने लिखाई थी बताओ, किताब ए नवरस किसने लिखाई थी? किधर है जरा देखो टेक्स्ट बुक में. किताब ए नवरस कहीं ना कहीं तो पढ़ी हुई है मैंने, ये कहाँ पे लिखी थी किताब ए नवरस, एक कहाँ पे है यार, किधर है ये पता नहीं, अभी मिल क्यों नहीं रही है. आंसर अकबर है, यस अकबर था उसका आंसर. इसका क्या है किताब ए नवरस, ये किधर दी है, कहीं ना कहीं तो ये सब लिखा हुआ है लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया, पता नहीं मेरे कहाँ पढ़ा था, रहने दो. यस तो इसका आंसर है इब्राहिम आदिल शाह. ओके इब्राहिम आदिल शाह द सेकंड के रूल में किताब ए नवरस लिखी गई थी. लोकहितवादी डैश इस शतपत्रे, अच्छा शतपत्रे ये किसने लिखा था, चैप्टर 4 में का ही है कि नहीं, नहीं चैप्टर 4 नहीं, मास मीडिया इज चैप्टर 5. यस चैप्टर 5 में का है, सब लोग चैप्टर 5 को रेफर करो. और आपको मैं हिस्ट्री के नोट्स देने वाला हूँ इन द फॉर्म ऑफ PDF ऑन आर टेलीग्राम ग्रुप, तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है ज्वाइन कर लो, किसी को अगर नाम नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, यू कैन आस्क. ठीक है ओके. फिफ्थ चैप्टर में दिया हुआ है देखो लोकहितवादी, पेज 24 पेज 29. ओके 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 पेज नंबर 24 पे किधर है, 24 पे तो नहीं दिख रहा है, 29 पे है क्या, हाँ 29 पे शायद दिखेगा, यहाँ पे कहीं पे तो होने वाला है ये. इब्राहिम आदिल शाह, हाँ बराबर किताबे नवरस करेक्ट, ये बराबर है करेक्ट, वेरी गुड यस ओके. लोकहितवादी किसने लिखी, लोकहितवादी कौन थे, किसको लोकहितवादी कहा जाता है जिन्होंने शतपत्र ये भी लिखा था, याद है पेज नंबर कौन से पेज नंबर पे है ये शतपत्रे, कहां पे है, कोई बताएगा? 24 पे लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे अकबर दिया हुआ है. अच्छा यस 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 इट इज गिवन यस. ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर द मुगल एम्परर द मुगल मिनिएचर स्टाइल शोइंग अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल्स वाज डेवलप्ड. ओके करेक्ट यस करेक्ट 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 वेरी गुड. हेलो ओम भाई हेलो, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. ओके थैंक्स फॉर टेलिंग. चलिए लोकहितवादी किधर था यार, कुछ कुछ चीजें जो मिल ही नहीं रही आज, पता नहीं क्यों. लोकहितवादी पढ़ा हुआ है लेकिन पता नहीं कहाँ पे है, किधर है, किसी को दिख रहा है क्या? हाँ दिख गया दिख गया दिख गया. यस पेज नंबर 33
प्रभाकर जहाँ पे दिया हुआ है, वहां पे दिया हुआ है देखो, हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड शतपत्रे द लेटर्स बाय लोकहितवादी एम्ड एट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। तो गोपाल हरि देशमुख, इनको लोकहितवादी कहा जाता था और उन्होंने शतपत्रे नाम के लेटर्स लिखे थे। चलो, दिल्ली दूरदर्शन सेंटर किसने इनॉग्रेट किया था? फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट। भाई फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन था? मुझे लगता है ये तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत लोग सही जवाब इसका देने वाले हैं, इट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल एकदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डैश सेंट नरसी मेहता गेव मोमेंटम टू द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट पेज नंबर 40 दिख रहा है, किधर है? हाँ सर, सेंट नरसी मेहता भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की, कहाँ के थे? गुजरात से, नाम ही गुजराती है ना, तो याद रख सकते हो आप। आई थिंक ये याद रखने में आसान है, राइट? नेक्स्ट, डैश वॉज शोन इन द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन पेरिस। पेरिस के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सा, क्या दिखाया था इसमें से? वेरी गुड, 10th का होगा सेकेंड ऑप्शन। 11th का क्या होगा? 11th का क्या होगा भाई? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ पेरिस। वेरी गुड, कहां पे है ये? संत तुकाराम के बारे में। अच्छा एक और चीज है, भक्ति मूवमेंट के साथ साथ आप याद रखो, संत नामदेव सपोर्टेड द ट्रेडिशन ऑफ भजन कीर्तन थ्रू द ट्रेडिशन ऑफ वारकरी सेक्ट। ओके, वारकरी मूवमेंट में थे संत नामदेव, ठीक है? यस, बहुत बढ़िया। और पेरिस के वो, ये किधर दिया है, किधर लिखा है ये मुझे यहाँ पे? ओके ओके ओके, रहने दो, अभी ये सब छोड़ देते हैं, ठीक है? संत तुकाराम, ये जो नाटक था या पिक्चर थी, आई डोंट रिमेम्बर ये क्या था, ये यस पेरिस के फिल्म फेस्टिवल, ओके इट वाज अ पिक्चर, यस संत तुकाराम, ये पिक्चर पेरिस के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। डैश इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स एंड विन अ ब्रॉन्ज मेडल। बहुत बढ़िया, मैरी कॉम इज द करेक्ट आंसर, इट इज फ्रॉम चैप्टर 7, राइट? थॉमस कुक एस्टैब्लिश्ड अ ट्रैवल एजेंसी सेलिंग डैश। थॉमस कुक ने क्या बेचने के लिए, ओके थॉमस कुक नाम है, इसका मतलब खाना बेचेंगे, ये नहीं होता यार, तो कोई भी खाना कुक मत लिख, ये फूड मत आंसर करना। थॉमस कुक, 13th का क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, टूरिस्ट टिकट्स बेचने के लिए एक ट्रैवल एजेंसी शुरू की थी थॉमस कुक ने, वेरी गुड। टूरिज्म एंड हिस्ट्री में से सवाल है ये, और ये आपको किधर दिया हुआ है थॉमस कुक के बारे में? पता नहीं, छोड़ो यार अब। ओके, इन डैश इट वॉज डिसाइडेड दैट द नेम ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम वॉज रिनेम्ड एज छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। कौन से साल में, साल किसको याद है अब, ठीक है? यस, कौन से साल में था, कौन से साल में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय कर दिया गया, और किधर है ये, ये भी देखना पड़ेगा। लेसन नंबर 9 का है ये मुझे लगता है, है कि नहीं? छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, फिफ्टीन का 4 होगा, बहुत बढ़िया, यस। और ये कौन से चैप्टर का है, देखो 9th जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं एक बार। लोअर म्यूजियम पेरिस में है, 18th सेंचुरी में एस्टैब्लिश किया गया, लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा पेंटिंग वहां पे रखी हुई है, ओके। और क्या है देखो, प्रेजेंटली द म्यूजियम कंटेन्स मोर देन 380,000 आर्टिफैक्ट्स,
380,000 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स है वहां पे, ठीक है। और ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में था, 18 सेंचुरी सी में एस्टेब्लिश किया गया। सर हैंस स्लोन, उन्होंने 71,000 ऑब्जेक्ट्स, 71,000 71,000 ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर गिफ्ट किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यूएस में है, एस्टेब्लिश्ड बाय द स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, 1846 ये साल में एस्टेब्लिश किया गया। 12 करोड़ फॉसिल्स के स्पेसिमेन से भी ज्यादा है यहाँ पे। फिर इंडिया में कौन से म्यूजियम से, पेज नंबर 61 निकालो। द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया वॉज इंडियन म्यूजियम, कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने शुरू किया था 1814 ये साल में। सेकेंड म्यूजियम था गवर्नमेंट म्यूजियम, 1851 में चेन्नई में एस्टैब्लिश किया गया। नेशनल म्यूजियम दिल्ली में 1949 में एस्टैब्लिश किया गया, ओके ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यस, और उधर ही पेज नंबर 61 पे ही उधर दिया हुआ है, देखो 1998 में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया को छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय का नाम दिया गया, और ये शुरू किया गया था नवंबर 1905 में। ओके सबको समझ में आ गया। चलो 16th क्वेश्चन, सब लोग रिवाइज करो अच्छे से। यस, चलिए लास्ट तीन क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि अब मुझे बाहर जाना है, सो टाइम इज गेटिंग अप। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन डैश, वेरी गुड। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन डैश, कौन से दिन पर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स? बताइए क्या होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, 26 जनवरी 1950, विच वॉज आर फर्स्ट रिपब्लिक डे, तब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन बना के हुआ था 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 में, 15 अगस्त 1947 इज आर इंडिपेंडेंस डे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। नाउ एट डैश द इंडियन म्यूजियम वॉज फाउंडेड बाय द एशियाटिक सोसाइटी, अभी अभी मैंने इसका आंसर बताया था। चलो आंसर दो, पेज नंबर 61 पे इसका आंसर है, मैंने बताया था किधर है, कोलकाता में है, कोलकाता 1814 ये साल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने शुरू कराया था, नाम है इंडियन म्यूजियम, फर्स्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया है कि नहीं। सो कोलकाता सी इज द करेक्ट आंसर, भले स्पेलिंग गलत हो। द अर्लिएस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल नेचर फाउंड इन इंडिया आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ये वापस आ गया। ओके अच्छा, ये भी वापस आ गया, ये सब क्यों रिपीट हो रहे हैं, ये सब क्यों रिपीट हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये देख लो एक लास्ट क्वेश्चन। द स्टाइल नोन एज मराठा पेंटिंग्स बिगन टू डेवलप इन द लेटर हाफ ऑफ, और यू कैन से लेटर हाफ ऑफ डैश सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी के लेटर हाफ में मराठा पेंटिंग्स जो स्टाइल था वो डेवलप होना शुरू हुआ, बताओ। तो ये कौन से चैप्टर में है, ये लास्ट क्वेश्चन है अभी के लिए, ठीक है। ओके 20th पूछ रहा हूं मैं, ओके मराठा पेंटिंग्स, इट इज फ्रॉम 4th चैप्टर आई थिंक, फोर्थ चैप्टर का ही है ना, विच सेंचुरी, हाँ बराबर। पेज नंबर 22 पे देखो मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में ग्रीन बॉक्स दिया हुआ है, तो जो भी बॉक्सेस है ना उन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो क्योंकि सबसे पहले नजर इन बॉक्सेस पे ही जाती है जो भी एग्जाम में पेपर निकालता है उसकी। तो देखो मराठा पेंटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्टाइल and it began to develop in the latter half or you can say later half of the 17th century CE, okay 17th century and murals of Maratha style can be seen in old wadas at places like Wai, Menavli and Satara in Maharashtra, okay. The Maratha style was influenced by the Rajput and European styles of painting.
तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आज का सेशन करते हैं खत्म, मिलेंगे रात को 9:30 बजे, रात को 9:30 बजे मिलते हैं। और एक और बात बता दूं, देखिए मैथ्स के मैं क्विज नहीं लूंगा, क्योंकि क्या हो रहा है पता है क्या, मैथ्स के क्विज में बहुत टाइम लगेगा ना, हर एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे फिर आंसर दोगे, इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर उसके प्रैक्टिस पेपर दे दूंगा, ठीक है, और वहां पे आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लेना, ठीक है, सब लोग प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना मैथ्स के। आज रात को हम करेंगे साइंस 1 का क्विज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तो सेशन करते हैं खत्म, मिलेंगे अगले सेशन में, एंड बाय बाय एवरीवन, चलो बाय बाय बोल दो सब लोग, ओके बाय बाय। यस बाय, सब लोग बाय बोल दो।